दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, पसीने पर मत जाइएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं काफी गर्मी में बना रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा गर्मी है। आप मेरे पूरे वीडियो में चेहरे पे पसीना देख सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा, बहुत अपोलोजाइज करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और वैसे भी पंखे वंखे को बंद करके रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, और अगर मैं पंखा ऑन करूँ तो वैसे भी आवाज मेरी आपको सुनाई देगी नहीं, तो इसलिए माफ कीजिएगा स्पेशली पसीने के लिए। थैंक यू। हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बिग बुल बॉय चैनल। बिग बुल बॉय चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। बाइकर्स जो है उनकी जो दुनिया होती है वो अलग होती है, उनको उनकी जो बाइक्स हैं वो गर्लफ्रेंड जैसे लगती है, तो उन्हीं के गर्लफ्रेंड्स के जिक्र के लिए मैं इस चैनल पे हूँ। तो आप सबका स्वागत है, आप सबको इस चैनल पे प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह से आप लोग इस चैनल पे प्यार करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकूँ और आप कुछ अच्छा वीडियोज दे सकूँ और अच्छे अच्छे सुपर बाइक्स दिखा सकूँ, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे भी मेरे को सुपर बाइक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्यूजडे को हमारा एक मीटअप था, जिसमें हमने एक मीटअप किया था, कावासाकी के बंदे भी आए हुए थे, उनके बाइक्स की एग्जीबिशन वहाँ पे था, तो हमने नई नई बाइक्स देखी कावासाकी की, मैंने चलाई, हालांकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि रात का समय था और माहौल ही कुछ ऐसा था। कुछ ही शॉट्स मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर पाया हूँ जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में जितने भी क्लिप्स हैं, जितने भी बाइक्स हैं, उन सब बाइक्स को मैं इंडिविजुअली आपके सामने लाऊंगा, दिखाऊंगा कि बाइक के प्रॉस कैसे हैं, कॉन्स कैसे हैं। हमारा जो साई है, हमारा जो दीपक भाई है, इन लोगों के बाइक्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने कौन सी बाइक ऑन करी हुई है, उनके प्रॉस क्या है, कौन से हैं। आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो दोस्तों बने रहिए। कुछ शॉर्ट्स हैं, हालांकि एक चीज़ और बता दूँ कि मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ जो जिसका नाम है मिस्टीरियस स्टोरीज MR करके उनका ग्रुप है, बहुत ही अच्छे बंदे हैं सब, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, ट्रांसपेरेंट ग्रुप है, ऐसे नहीं कि वो KTM चला रहा है, ये हायाबुसा चला रहा है, वो निंजा चला रहा है, ये जो फीलिंग्स होती है बाइकर्स की वो उसमें नहीं है। ये चीज़ मुझे इस ग्रुप की बहुत अच्छी लगी, सब बंदे एक साथ इंजॉय करते हैं, समय को अच्छा बनाते हैं, जिससे कि माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। तो हालांकि मैंने उनके साथ सिर्फ दो ही राइड्स किए हैं, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही अच्छा ग्रुप है। तो आइए देखते हैं, छोटा सा क्लिप है, हालांकि इस बार आप देख लीजिए और अगले बार कोशिश करेंगे अच्छे से आपको कुछ एंटरटेन करने के लिए और कुछ शेयर करूंगा आपके साथ। हालांकि मैं YouTube में यहाँ इस बात का जिक्र करना चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ YouTube में हूँ, इसका मतलब यहाँ कोई पैसा कमाने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हूँ आपके साथ, और जिससे कि कुछ मज़ा आए आपको भी, मेरे को भी, मैं अपने राइड्स आपके साथ शेयर कर सकूं, तो इससे आपको भी कुछ हेल्प भी हो सकता है अगर आप बाइकर्स हैं तब जाकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल को बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन शॉर्ट्स को जो मैंने लिया था। थैंक यू।